आज हम बना रहे हैं एप्पल्स विथ रबड़ी, ठीक है? और रबड़ी रेडीमेड ले लें या खुद बनाएं, टाइम लगता है, दूध को उबालना पड़ता है आपको काफ़ी देर के लिए, और इसमें आप फिर गुड़ डालें या कंडेंस मिल्क डालें, बादाम पिस्ते डालें, तो दिस इज़ रेडीमेड रबड़ी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाल के एक बहुत मज़ेदार सा आज डिज़र्ट बनाएंगे। पहले हम उसका शीरा बनाते हैं। सो एक कप फुल ऑफ वाटर, पूरा कप ले लीजिए, उसमें आप एक पूरा कप थोड़ा सा ज़्यादा भर के चीनी दानेदार डाल दीजिएगा, उसका शीरा बना लीजिए। अच्छा, 8-10 सेब ले लीजिएगा, डिपेंड्स आपको कितने यूज़ करने हैं। सेब को लेके उसको छिलका उतार के उसको इस तरह के रिंग्स में आपने काटना है, ठीक है? रिंग्स में काट लीजिएगा। अगर आपके पास एप्पल कोरर है, पूरे सेब के बीच में वो डाल देते हैं, पूरा ऐसे करके पूरा बीज का हिस्सा निकल आता है, अगर है तो सही है, वो यूज़ करिएगा। नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, छुरी से काट लीजिए, या अगर बिल्कुल सही राउंड आपको शेप चाहिए तो आप एक नोज़ल ले लीजिएगा, पाइपिंग बैग के साथ जो नोज़ल्स होते हैं जिससे हम डेकोरेशंस करते हैं, उससे आप काट लीजिएगा, या किसी छोटे कुकी कटर से काट लीजिएगा, ठीक है? और ये रेडी करके रख दीजिएगा, पानी में भिगो के रख दिए ताकि बहुत काले ना हों। अब जब यहाँ शीरा रेडी हो जाएगा, ये सेब को मैं डाल दूंगी। बहुत पतले नहीं काटिएगा सेब के रिंग्स, ठीक है? तो फिर टूट जाएंगे वो, और हिलाइएगा बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची, बादाम पिस्ते ऊपर से जाएंगे, रोज़ वाटर भी है, गुलाब की पत्तियाँ भी हैं, और यहाँ मेरे पास दूध है जिसमें हम ज़ाफ़रान डालेंगे। खुल जाए तो पहले, ओह गॉड। अब किसी को खोल के देनी पड़ेगी, छोटी सी डिब्बी नहीं खुल रही मेरे से, मैं वहां रख रही हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, ज़ाफ़रान दूध के अंदर हम मिक्स कर देंगे, और फिर हम इस शीरे में एप्पल्स पकाएंगे। और फिर यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, आप सोचेंगे ये क्या है? ये है फ्रेश ब्रेड, डबल रोटी को मैंने चूरा कर दिया है, और उससे फिर हम रबड़ी में मिक्स करेंगे। थैंक यू। ना टाइट किसी ने बंद किया था, मेरे से तो खुल ही नहीं रहा था। ओके, सो ज़ाफ़रान गोज इन द मिल्क हियर, ठीक है? और यहाँ चीनी पानी का शीरा, जैसे आपने देखा पानी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। यू जस्ट हैव टू कोट द एप्पल्स, ठीक है? एप्पल्स को बस लिपट जाएं ये शीरे में, आप बहुत पानी नहीं चाहिए। फिर एक डिश लेंगे सर्व करने के वक्त, और उस डिश में हम ये सेब सारे बिछा देंगे नीचे, जो पके हुए होंगे चीनी पानी में, और इसमें ज़ाफ़रान की खुशबू भी होगी, और इलायची भी होगी, रोज़ वाटर भी होगा, और उसके ऊपर फिर हम ये रबड़ी डाल देंगे जो रेडीमेड, अगर आपके पास रबड़ी पड़ी हो और घर में कोई खा नहीं रहा हो, आप सोच रहे हैं क्या करूँ, दूध बहुत उबाल के आपने रखा हुआ हो, आप उससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो इसको ड्राई आउट नहीं होने दीजिएगा। अगर ये बहुत पानी जल्दी से ड्राई आउट हो जाए, चीनी साबुत ही रहे, थोड़ा सा और पानी भी आप डाल सकते हैं, जो एक्चुअली आई विल डू, बिकॉज फिर ये क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा, हमारे पास सेब हैं, सेब हमें उसमें पकाने हैं, चीनी पानी का शीरा हो रहा है, इसमें मैं साथ साथ अभी सेब डाल देती हूँ। रिंग्स में ही काटिएगा, बहुत पतला नहीं काटिएगा, एज आई सेड, फिर वो टूट जाएंगे पक के। बस अब इसको हमें चीनी पानी के इस शीरे में पकने देना है, ठीक है? अच्छा, रबड़ी में हम फ्रेश वाइट ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, टेस्ट करके आप बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो वीव गॉट रबड़ी हियर, मैंने भी रेडीमेड ली हुई है, आपको किसी भी मिठाई की दुकान से मिल जाती है। टाइम है आपके पास तो दूध उबाल लीजिएगा, नहीं है तो रेडीमेड, और इसमें थोड़े से फ्रेश वाइट ब्रेड क्रम्स जाएंगे, फ्रेश डबल रोटी का चूरा कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें चिपक गई हैं, निकाल देते हैं इसको। एप्पल्स हमारे कुक हो रहे हैं चीनी पानी के शीरे में, ज़ाफ़रान मैंने दूध में मिक्स किया है, लेकिन अभी इसको अच्छी तरह मुझे मिक्स करना है, मिक्स नहीं हुआ है अभी, ठीक है? ये है अब ज़ाफ़रान और दूध, अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होगा, फ़ौरन अंदर जाते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूध भी थोड़ा सा नीम गर्म अगर आपने लिया हो तो। चले, ये भी हो गया। अच्छा, आई वॉन्ट टू टर्न द एप्पल्स, बहुत हल्के से आप सारे एप्पल्स अंदर कुक करिएगा।
मगर मेक श्योर करिएगा कि इतने ना गल जाएं कि टूट जाएं। सो ये बस पक जाएगा, इसका पानी ज़रा एवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। मैं इसमें दूध और ज़ाफ़रान डाल देती हूँ, जिसमें रबड़ी और मैंने फ्रेश वाइट ब्रेड क्रम्स निकाले हैं। अब दिस विल ऑल गो ऑन टॉप। शुगर सिरप पहले बनाया था, ज़ाफ़रान में आपने दूध मिक्स कर दिया था और एक तरफ रख लिया, फिर चीनी पानी के शीरे के अंदर आपने ये सेब पका लिए, सेब पक गए, उसका चूल्हा आपने बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, रबड़ी के साथ आपने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए, डबल रोटी को चूरा कर दीजिएगा चॉपर में डाल के, उसको मिक्स कर दिया, दूध ज़ाफ़रान भी इसमें डाल दिया। अब ये देखें, ये आपने देखा, देखें कितने सॉफ्ट हो गए, लेकिन अभी ये टूट जाएंगे अगर मैं उसको ज़्यादा हिलाऊंगी तो हम आराम से इसको किसी प्लेटर पे रखेंगे और उसके ऊपर फिर ये चीज़ें, ये इसको बहुत आराम से उठाना पड़ेगा और इसको आप रखते जाइए। पाइनएप्पल्स नहीं लग रहे जैसे पाइनएप्पल के रिंग्स हों। कुछ मुख्तलिफ बनाना सीखिए, ट्राई करिए, घर वालों को भी खिलाइए, सेम चीज़ें नहीं बनाएं, कुछ अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए मैंने ऐसा एक बड़ा प्लेटर यूज़ किया है ताकि हम इसको आज ऐसे सजाएंगे। इसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं, स्टूड फ्रूट मुझे बहुत पसंद थी एज अ चाइल्ड, ये इसको स्टू करना कहते हैं, टू स्टू योर फ्रूट, पकाने हैं चीनी और पानी के शीरे में, इसमें आप लौंग डालिए, दालचीनी डालिए और फिर इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं ऊपर आइसक्रीम के साथ या कस्टर्ड के साथ, ठीक है। अब मैं इसको जाहिर है वेस्ट नहीं करूंगी, सो आई जस्ट पुट द एप्पल्स। वैसे भी एप्पल्स को पूरा हमें छुपाना है, ऊपर हम लगाएंगे ये रबड़ी का लेयर एक पूरा, ठीक है। मैं साइडों पे इसलिए रख रही हूँ ताकि जब मैं इसको बीच में रखूँ रबड़ी को, एप्पल्स साइडों से थोड़े थोड़े नज़र आए। दैट्स इट, डन। इसको नहीं वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें निकाल दें, ठीक। अब आपको नज़र आ रहा है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो रबड़ी है जिसमें दूध और ज़ाफ़रान है, ब्रेड क्रम्स हैं, ये आपने इसके ऊपर डालना है ऐसे करके। एप्पल्स विथ रबड़ी आपकी रेडी हो गई और इसके ऊपर आप इलायची स्प्रिंकल करेंगे। अच्छी तरह निकालिएगा, बोल में से कोई चीज़ रह ना जाए। मैं खास बीच में ऐसे रख रही हूँ ताकि सेप नज़र आए स्क्रीन पर, वरना आप घर में जब बनाएं पूरा आप कवर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा बोले आए है। ये देखें रोज़ वाटर है, ये रोज़ वाटर थोड़ा सा आपने डालना है। मैंने गलती की, मैंने शीरे में ही रोज़ वाटर डाल देना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बस डाल रहे हैं जस्ट फॉर अ नाइस टेस्ट। और फिर बादाम और पिस्ते डाल दीजिए। और गुलाब की पत्तियाँ किसी भी तरीके से जस्ट नाइसली डेकोरेटेड, ठीक है। इसमें सारे फ्लेवर्स हैं, अर्के गुलाब भी और इलायची भी, ज़ाफ़रान भी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है।